बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं जीसी यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, जिसे जीसीयूएफ कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हवाले से जानी जाती है। इसके अंदर एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह ये तमाम बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या आपको कहीं रजिस्ट्रेशन या स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 03012027670 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी अदारे या किसी भी शॉप विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली घर बैठे डायल कीजिए 03012027670 और हासिल कीजिए हमारी जो फास्ट सर्विसेज हैं। अब बात कर लेते हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, सर्च करना है इनकी वेबसाइट। जैसे सर्च करेंगे gcu.edu.pk, जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे पोर्टल अवेलेबल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक आउट कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बताता चलूंगा, सबसे पहले हमने इसका जो डिस्कस करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेट फैकल्टीज के हवाले से भी डिस्कस करना है, ठीक है, और भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आपने उसको भी डिस्कस कर लेना है। यहाँ पे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, अगर कोई स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कौन सी सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी अवार्ड की जाती है इसके अंदर स्कॉलरशिप, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के वाले से डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ फैकल्टीज कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे डॉक्टरेट के वाले से बात की जाती है, यहाँ स्टूडेंट्स फील्ड के वाले से, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के वाले से, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के वाले से डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे ऑफिस के वाले से डिस्कस किया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्या प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसओपी रजिस्ट्रेशन समर सेमेस्टर फॉर फॉलोइंग रिवाइज समर, ये उनके लिए है, बी वेयर ऑफ द, यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, सारा पल पल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो आपने इनको फॉलो अप करना है। आफ्टर दैट आप क्या करना है कि यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे admission.gcuf.edu.pk यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले अगर न्यू यूजर है तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट एडमिशन अकाउंट, जो ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं तो वो यहाँ पे आके लॉग इन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोहम्मद मुदस्सिर, मेरा नेम है, यहाँ पे मैं बशीर अहमद कर लेता हूँ, ठीक है, फादर का नेम, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर दैट मैं सीएनएससी नंबर एड कर लेता हूँ 311014881411, ठीक है, है, यस है, वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, ब्लड ग्रुप आपको पता है तो इस के अदरवाइज इसको लीव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका, आपका डोमिसाइल कौन सा है, पंजाब का है। उसके बाद यहाँ पे भावनगर मेरा है। उसके बाद मैं ई मेल एड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ई मेल आई डी एड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पे पासवर्ड आ गया, आपने भी पासवर्ड एड करना है। वो कहता है ई मेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसके अलावा कोई और ईमेल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और अब ये भी ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम क्या करते हैं कोई और यूज कर लेते हैं, MUD ये कर लेते हैं @gmail.com। यहाँ पे आपने क्या करना है, कैप्चा फिल करना है, मैंने एक्यूरेट ईमेल ऐड नहीं की, मैंने रॉन्ग ईमेल ऐड की है ताकि मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाए। यहाँ पे आके मैं VWN शॉर्टकट ऐड करता हूँ। आपने क्या करना है, एक्यूरेट ईमेल ऐड करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट डाटा पे जाना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट डाटा पे जाएंगे तो आपके सामने वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन करना है। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ 311014881411। उसके बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ मैंने मेंशन की थी वो डेट ऑफ बर्थ मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने मेंशन की थी 2011, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते 2000 आ गया है और यहाँ पे जनवरी आ गया, यहाँ पे ये वन डेट आ गई है। अब लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, वो कहता है सीएनएससी नंबर ऐड करें। यहाँ पे मैं सीएनएससी नंबर ऐड करता हूँ 311014881411, ठीक है, यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। जैसे लॉग इन करूंगा मेरा पोर्टल जो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। अब आपके पास सामने यहाँ पे
डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम में। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड अप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड सेव ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आ जाएगा। अपलोड फोटोग्राफ्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे अपनी तस्वीर चूज करनी है। यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है, आपकी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपने मैट्रिक करना है, देन आपने एफएससी करना है, देन आपने अपना बीएस करनी है या जो भी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वो ऐड करनी है। यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम अवेलेबल कौन कौन से हैं यहाँ पे वो क्लिक आउट करना है। जैसे आएंगे यहाँ पे सबके मेन कैंपस के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कैंपस के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं ऐड करूंगा तो देन मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, क्योंकि आगे तो अभी तो मैंने कुछ डाटा नहीं सिलेक्ट किया ना कोई पुट किया, इस वजह से वो मुझे शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट के हवाले से डिस्कस की जाती है तो आपने अनाउंसमेंट भी क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट भी की गई है ताकि उसको आप देख लें, ठीक है। अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन सही तरह फिर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे क्लिक करें, मेरिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट थी वो भी आपके सामने यहाँ पे शोर की जा रही है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है तमाम एक्यूरेट है। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज हमसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड आउट करेंगे।